हाय फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्ले पॉट मिक्स में रखा है, तो ज़्यादा स्मोकी रखा है यहाँ पे। जैसे कोलकाता क्ले पॉट देखिए कितना स्मोकी है ये, और स्मोकी पॉट बहुत ज़्यादा टूट जाता है। हमारा कोलकाता क्ले पॉट पार्सल देने में और वहाँ पे जाते जाते बहुत टूट जाता है। देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये जो ब्रोकन आप देख रहे हैं ना, ये सभी आते वक्त ब्रोकन होता है। कुछ हमारे हाथ से टूट गिर के ब्रोकन हो जाता है देखिए, और जितना भी टूटे इसका ऊपर का हिस्सा टूटता है, स्मोकी वाला ज़्यादा टूटता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। बहुत टूट रहा है फ्रेंड्स हमारे क्ले पॉट जाते जाते, हमें भी पता है। हम जो फ़ोटो आपको पार्सल डालने से पहले भेजते हैं वो एकदम होल पीसेस में होता है, लेकिन वो जाते जाते पूरा टूट जाता है। देखिए ये कच्चे मिट्टी का पॉट है, कोलकाता क्ले पॉट ही पूरा कच्चे मिट्टी का है, बहुत टूटता है। और ये ग्लास है, प्लेन ग्लास, इसलिए हम जब पैकिंग करते हैं ना, जो थिक क्ले पॉट और ग्लास जिनका कॉम्बो रहता है, या कुछ हम इसके अंदर एक दो पीस डाल देते हैं क्योंकि ये होल पीस में जाएगा। कोलकाता क्ले पॉट भी हम ऐसे अंदर में डाल देते हैं। बहुत सारा पीसेस यहाँ पे ब्रोकन है, देखिए ये कितना पतला होता है ना, तो ये एकदम टूट जाता है। देखिए लेकिन इसमें इसका अर्दीनेस का कोई भी कम नहीं होता है, बहुत अर्दी होता है। देखिए ये और एक क्ले पॉट का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ हिस्सा है। देखिए क्ले पॉट, कोलकाता क्ले पॉट का ये ऊपर का हिस्सा ही ज़्यादातर टूटता है। देखिए कितना टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे है, ये सब टूट गया है। ये ऊपर का हिस्सा बहुत पतला होता है और ये बहुत अर्दी होता है, बहुत ज़्यादा सब टूटा हुआ हिस्सा है। यहाँ पे देखिए ये सॉसर है, स्मोकी सॉसर। वैसे ये एक एकदम नॉन बेक सॉसर है, ये स्मोकी है, लेकिन ये स्टॉक में नहीं है, ये एक दो पीस बनाने के बाद आ गया होगा। वैसे ये देखिए मुझे थिक क्ले पॉट ब्रोकन में, ये देखिए कोलकाता क्ले पॉट का नीचे का हिस्सा वो टूट गया है, बहुत टूटता है। देखिए छोटे वाले जो पॉट होते हैं इसका ऊपर का हिस्सा, ये टूटा हुआ हिस्सा। और ये देखिए ये हमारे थिक क्ले पॉट है, ये कितना मोटा होता है देखिए। ये एक क्ले पॉट का वजन 150 से 200 ग्राम हो जाता है, थिक क्ले पॉट। ये सभी कोलकाता क्ले पॉट का ऊपर का हिस्से ज़्यादातर है यहाँ पे। फ्रेंड्स हम ईटिंग वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते। ये देखिए ये थिक क्ले पॉट का ऊपर का हिस्सा है, तो टूटा है। यहाँ पे भी है देखिए, ये ग्लास का हिस्सा है, जो प्लेन ग्लास होता है वो। क्ले पॉट बहुत टूट जाता है आते वक्त, बहुत ज़्यादा टूटता है, लेकिन ये टूटा हुआ हिस्सा हम अलग से सेल नहीं कर पाते कितना, क्योंकि इतना टूटा तो नहीं आता है, क्योंकि अगर आप केजी में मांगेंगे हमें पास नहीं होता है। कभी कभी किसी को सैंपल, सब तरह के क्ले पॉट का टूटा हुआ हिस्सा अगर होता है तो सैंपल के तौर पे कोई कोई ले लेता है कि टेस्ट करना है, तो उस वक्त चला जाता है, नहीं तो हमारे काम आ जाता है कि हमें
छोटे छोटे पीसेस बहुत पसंद है। सभी कोलकाता क्ले पॉट ही ज़्यादातर टूटा हुआ होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा टूट जाता है। देखिए हमने वहाँ से कुछ पीसेस उठा लिया है, ये सभी कोलकाता क्ले पॉट का पीसेस है। ये देखिए, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्डी होता है, मैं आपको बता दूँ, मुझे ये क्ले पॉट का पीसेस है वो पानी में डाल के टेस्ट करने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इसका अर्दीनेस बढ़ जाता है मुझे लगता है। लेकिन स्मोकी वाला थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें क्रंचीनेस कम आता है। मैं सभी को बोलती हूँ कि कोलकाता क्ले पॉट का टूटने का कोई गारंटी हम दे नहीं पाते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी क्ले पॉट में से पीस लेके टेस्ट किया है, हमें कोई ग्रिटीनेस नहीं मिला है और बहुत अर्दी है। आप स्टॉक देख के ऑर्डर कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।